अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमैया मोहम्मद फ्रॉम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल यूनसू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट जियोग्राफी। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैसे माइनिंग की जाती है और देखेंगे कि मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं। माइनिंग, माइनिंग इज डिफाइंड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। मेटल्स और मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ सरफेस से, उसे कहते हैं माइनिंग। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ माइनिंग। अब हम देखेंगे कि माइनिंग के टाइप्स क्या है, किस तरह से माइनिंग की जाती है। फर्स्ट इज ओपन पिट माइनिंग। जिस जगह मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उस जगह जो ऊपर जमीन की सरफेस है, वहां से खुदाई शुरू की जाती है और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में एक गहरा गड्ढा बना लिया जाता है और इस तरह से ये माइनिंग की जाती है। इस तरह की माइनिंग अक्सर आयरन ओर के लिए की जाती है। दिस इज कॉल्ड ओपन पिट माइनिंग। सेकेंड टाइप इज क्वारिंग। जो सरफेस पे मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो अंदर नहीं होते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि मिट्टी की जो सरफेस है उसी के ऊपर मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसी माइनिंग को क्वारिंग कहते हैं। इसमें खुदाई की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन। थर्ड टाइप ऑफ माइनिंग इज अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है, टनल्स बना लिए जाते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसे कहते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट। इस तरह से भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे माइनिंग के बारे में। नंबर फर्स्ट, मिनरल्स और नेशनलाइज्ड, मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की, वही मिनरल्स के हर प्रोसेस को रेगुलेट करती है। माइनिंग एक्स्ट्रा जो भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस की जाती है उसको रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मींस मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। और अगर कोई प्राइवेट फर्म या कोई कंपनी माइनिंग करना चाहती है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। सेकेंड फैक्ट अबाउट माइनिंग इज दैट माइनिंग इज डन बाई ट्राइबल ग्रुप्स ऑल्सो। लाइक मेघालिया में ट्राइबल ग्रुप्स माइनिंग खुद करते हैं। वो लोग रैट होल माइनिंग करते हैं, जिसमें एक छोटी सी टनल बना ली जाती है जिससे अंदर जाकर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर इनको प्रोसेस करके इनसे मिनरल्स निकाले जाते हैं। ये तो थे कुछ फैक्ट्स अबाउट माइनिंग। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री में। फर्स्ट, पेनिनसुलर रॉक्स, मतलब लैंड मॉस सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। वो हिस्सा जो तीन साइड से पानी से घेरा हुआ है, इसे पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे कोल, मेटेलिक मिनरल्स एंड मेनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस पार्ट में। जैसे कि आप मैप में भी देखते हो, ये है पेनिनसुलर पार्ट, यहाँ पे इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड इज ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला। यहाँ कुछ एनर्जी मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक पेट्रोलियम। इसके अलावा राजस्थान, यहाँ नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक कॉपर। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है। नॉर्थ इंडिया में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है, एलोवाइल सॉइल होती है जो कल्टीवेशन के काम आती है ज़्यादातर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ minerals. That was all for today. Thanks and Allah Hafiz.